किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। खेतीबाड़ी के कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हिमाचल प्रदेश के किसान एवं बागवान वर्षों से परंपरागत तरीके से खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय में बदलाव आया है, हिमाचल प्रदेश के बहुत से किसानों ने सब्जी उत्पादन को अपनाया है और हिमाचल प्रदेश में बहुतायत सब्जी उत्पादन हमारे किसान बागवानों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन किसान साथियों, सब्जी उत्पादन करते वक्त हमारे किसानों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब्जी उत्पादन में किन मूलभूत आवश्यकताओं को हमारे किसानों को अपने जहन में रखना चाहिए, आज के कार्यक्रम में हम यही बातचीत करने जा रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके से कैसे हमारे किसान एवं बागवान साथी सब्जी उत्पादन कर सकते हैं, ये जानने के लिए हम आज आ पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ठाकुर, हमारे किसान बागवान साथी आपसे जानना चाहते हैं कि कुल्लू घाटी में हमारे किसानों के द्वारा आजकल किन किन सब्जियों का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा रहा है, कौन कौन सी सब्जियाँ हैं जो कुल्लू घाटी में किसान बागवान उगा रहे हैं? जी, आजकल जैसे ग्रीष्मकालीन ऋतु का दौर चल रहा है, तो हमारे किसान बागवान टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा वर्गीय सब्जियां जैसे कि घिया, खीरा और भिंडी जैसी सब्जियों का उत्पादन यहां पर व्यावसायिक तौर पर कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर सब्जियों का यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। डॉक्टर भूपेंद्र, सब्जी उत्पादन में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, हमारे बागवान किसान साथी जब सब्जी उत्पादन की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें कौन सी बातें जहन में रखनी चाहिए? और बीज का बहुत महत्व है, सब्जी उत्पादन करते वक्त जो बीज लेना है वो कहाँ से हमारे किसानों को लेना चाहिए और बीज खरीदते वक्त किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? टमाटर में मैं कहूँगा कि नवीन 2000 आज भी सबसे उत्तम संकर किस्म है, जिसको कि कुल्लू घाटी में बड़े अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है और इसका उत्पादन जो है बाकी किस्मों से काफ़ी अच्छा रहता है। तो आजकल किसान बागवान बंधु 21-53-2153 एक प्राइवेट किस्म है, कंपनी की किस्म है। दूसरे कुछ और भी संकर किस्में हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, तो उनको बड़े पैमाने पर लगा रहे हैं। तो ये ध्यान रहे कि जो अच्छी किस्म है, संकर किस्म है, वो अच्छी कंपनी जो है आपको दे सकती है। अपनी तरफ से कभी ये कोशिश ना करें कि जिस किस्म को कभी टेस्ट नहीं किया गया हो उसको ना लगाएं अपने खेतों में। ये मेरा अनुमोदन है कि किसान बागवान बंधुओं के लिए किसी भी फसल की कोई भी किस्म जिसको टेस्ट नहीं किया गया हो उसको नहीं लगाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, इस फसलों को रख रखाव कैसे आपने करना है, क्योंकि किसान बागवान बंधु बड़े अच्छे तरीके से खेती का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उस अच्छे तरीके से करने के बावजूद उनको जो वांछित जो फल है वो नहीं मिल पाता है, जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में सभी किसान बागवान बंधुओं से ये मेरा सुझाव रहता है मेरा उनके लिए कि जब भी आपने कोई फसल लगानी है तो उसके लिए खुराक संबंधी जानकारी आपको होनी चाहिए और खुराक परिपूर्ण पूर्ण रूप से फसल को मिलनी चाहिए, तभी उसका उत्पादन जो है उसके अनुरूप, वातावरण के अनुरूप और पूरी तरह से उत्पादन वो दे सकती है। कुछ खादें पौधे को मजबूत करती हैं, कुछ खादें पौधे को रंगत देती हैं। जैसे नाइट्रोजन खाद है, उसका इस्तेमाल पौधे की बढ़ोतरी के लिए करना चाहिए। तो ये खाद पौधे को समय समय पर विभिन्न अवस्थाओं में चाहिए होती है। एक तो इस खाद का प्रयोग जब आप खेत तैयार करते हैं, पनीरी लगाने से पहले खेत में नाइट्रोजन की उपलब्धता होनी चाहिए, इसी से आपकी जड़ें जो है ज़मीन पकड़ती हैं और पौधा जो है अच्छी ग्रोथ करता है। दूसरा, पौधे को जब मजबूती चाहिए होती है उसको फास्फोरस खाद की जरूरत पड़ती है, जो कि फास्फोरस नामक तत्व से मिलती है। तो ये खाद भी खेत तैयार करते वक्त अगर आप खेत में डालेंगे तो अभी ये पौधे को उस अवस्था में मिल पाती है। तीसरा, आपको पोटाश खाद की जरूरत पड़ती है, जो कि पौधे को चमक देती है, पौधे को रंगत देती है, उसके पत्तों में रंगत आती है, उसके फलों में रंगत आती है या जड़ विकास में मदद करती है। ये खाद भी खेत तैयार करते वक्त पौधे को खेतों में डालनी चाहिए। तो ये तीनों खादों का महत्व है। ये तीनों खादें आप अलग अलग रूप में भी डाल सकते हैं, जैसे कैन, SSP और MOP के माध्यम से, या फिर 12-32-16 एक खाद है उसके माध्यम से भी इसको डाला जा सकता है। जैसे आपने कैन डालनी हो तो टमाटर, शिमला मिर्च या कि जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं इनको 35-40 किलो प्रति बीघा के हिसाब से कैन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग जैसे 12.5 किलो का एक भाग, उसको खेत तैयार करते वक्त प्रति बीघा के हिसाब से आप डालें। दूसरा भाग जो है आपने जब गुड़ाई करनी है पहली, उस वक्त डाला जाता है।
तीसरा भाग जब आपने मिट्टी चढ़ानी है उस वक्त इसको डाला जा सकता है, तभी पौधे की जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो पूरी हो पाती है। साथ में इस कैन खाद में कैल्शियम नाम का तत्व होता है जो कि पौधे के जो फ्रूट लगते हैं उनको भी थोड़ा सा मजबूती देने का में सहायक रहता है। दूसरी खाद है सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसका इस्तेमाल किसान बंधुओं से, सभी किसान बंधुओं को हिमाचल प्रदेश में खासकर, तो ऐसा कहा जाता है, अनुमोदन है इसका कि 32 से 40 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहिए विभिन्न फसलों के हिसाब से। डॉक्टर भूपेंद्र, हमारे किसान बागवान आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसे हमने कुल्लू घाटी का दौरा किया तो हर खेत में हमें टमाटर दिखाई दिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बागवान किसान साथी एक ही वक्त में एक ही फसल को ना उगाकर अलग अलग फसलों को उगाए ताकि मार्केट में उन्हें रेट भी अच्छा मिले। अक्सर किसान साथी ये कहते हैं कि जब हमने टमाटर लगाया तो बाजार में उसके मूल्य, उसके दाम अच्छे नहीं मिल पाए, क्या इस तरह का प्रशिक्षण आप किसान बागवानों को देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस समय पर किस सब्जी का चयन करना चाहिए और मार्केट में ये गलत सब्जी का आता कैसे है? डॉक्टर, अपने केंद्र पर बार बार कई बार साल में प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं तो वहाँ पर यही अनुमोदन करते हैं कि आप एक तरह की सब्जी ना लगाएं, देखा देखी में ना चलें, विभिन्न सब्जियों का उत्पादन जो है अपने खेतों में करें। जैसे एक किसान ने अगर टमाटर लगाया है तो दूसरा किसान उसी गांव में टमाटर लगाने का प्रयास ना करे, उसका प्रयास रहना चाहिए कि वो शिमला मिर्च की तरफ जाए, भिंडी की तरफ जाए, खीरे की तरफ जाए या कोई और जैसे फ्रांस बीन जैसी फसलें हैं जिनका कि अच्छा मूल्य मिलता है उनकी तरफ ही उनको जाना चाहिए। एक ही प्रकार की सब्जी लगाने का नुकसान बहुत है, फ़ायदा कम है। नुकसान उसमें ये होता है कि जैसे इस बार हम देख रहे हैं कि हमारे पास लगभग रोज़ हर रोज़ केंद्र में 15 से 20 किसान भाई अपनी टमाटर की उत्पादन की समस्याओं को लेकर आते हैं जिसमें कि कीट और बीमारियों का सबसे ज़्यादा प्रचलन है। तो ये स्थिति इसीलिए पैदा हुई है क्योंकि एक गांव में टमाटर ही बहुत सारे एरिए में लगा है, तो इस कारण एक किसान भाई के खेत में अगर बीमारी या कीड़ा आता है वो दूसरे किसान भाई के खेत में भी जाता है। एक किसान भाई अगर स्प्रे करता है, दूसरा नहीं करता है, तो वो कीड़ा या बीमारी बचकर जो है दूसरे किसान भाई के खेत में जाती है। तो उस तरह से पूरी तरह से उन रोगों से या कीटों से नियंत्रण पाना आप लोगों के लिए असंभव हो रहा है। इसी कारण हम लोग यही अनुमोदन करते हैं कि विविधता लानी अपनी खेती में ज़रूरी है और अगर आपने लाभ कमाना है तो विविध सब्जियों का और किस्मों का उत्पादन करना जो है आप लोगों के लिए अत्यंत ज़रूरी हो गया है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो कुल्लू घाटी में वातावरण हमारा सब्जी उत्पादन के लिए अच्छा है उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि विविधता की तरफ भी ध्यान दें और अलग अलग सब्जियों का उत्पादन जो है करें। सब्जी उत्पादन से पूर्व मिट्टी का परीक्षण करवाना और बीजोपचार का महत्व क्या है, क्यों हमारे किसान बागवान साथियों को अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाना चाहिए और बीजोपचार का महत्व क्या है? खेतों में या मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि पौधों को प्राप्त होते हैं, इन्हीं पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, इनका मिट्टी में लेवल जानने के लिए आपको मिट्टी परीक्षण करवाना जो है आवश्यक है। जैसे कुल्लू में एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, वहाँ पर कुल्लू घाटी के लोग जो हैं मिट्टी परीक्षण करा सकते हैं और अपनी मिट्टी के पोषक तत्वों का स्तर पता कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ सब्जियों में बीज उपचार भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि फूलगोभी की फसल जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर लगाई जाती है ग्रीष्मकालीन ऋतु में भी और सर्दियों में भी। तो इस सब्जी का एक रोग है जिसको काला सड़न रोग कहते हैं, ब्लैक रॉट रोग कहते हैं इसको, इसका अगर आपको शुरू में ही पता मतलब खात्मा करना है तो बीज उपचार जो है ज़रूरी है। वैसे ही विभिन्न दूसरी फसलों में भी बीज उपचार करना महत्वपूर्ण है, तो बीज उपचार का एक तरीका है कि बेविस्टिन जो केमिकल है, रसायन है, उसका प्रयोग करें और आपने बीजों के ऊपर उसका जैसा लेप है वो चढ़ा दें, उसके बाद ही बीज रोपण करना चाहिए और उसके बाद ही आपकी जो पौधा है या पौधा है वो स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, उसमें बीमारी कोई नहीं आएगी आगे। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मिट्टी परीक्षण और बीज उपचार ज़रूर करें। जब हमारे किसान बागवानों के खेतों में बीमारियां आक्रमण करती हैं, पौधे मुरझा जाते हैं, फसलें तबाह होने को आती है, तब वो दौड़े दौड़े जाते हैं और बाज़ार से बहुत सारी दवाइयां खरीद कर लाते हैं और उनका स्प्रे अंधाधुंध करने लगते हैं, क्या हमारे किसान बागवान साथियों को ऐसी दशा में अंधाधुंध स्प्रे करना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर ठाकुर, जो स्प्रे पौधों के ऊपर किया जा रहा है, फसलों के ऊपर किया जा रहा है, उत्पाद के ऊपर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो उत्पाद हमारे पेट में जा रहा है, हमारी दशा और दिशा को बिगाड़ रहा है। अंधाधुंध स्प्रे करना कितना हानिकारक है, कितना भयावह है? हमारे पास रोज 15 से 20 किसान बागवान बंधु जो है अपनी खेतों में
बीमारियों कीड़ों की समस्या को लेकर आते हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपने कुछ स्प्रे किया, तो वो ऐसे ऐसे रसायनों का नाम ले लेते हैं जिनका कि हमने भी कभी नाम नहीं सुना होता है। तो ऐसे रसायनों का नाम लेकर और साथ में ये बोलते हैं कि हम लोग 5 से 6 दिन बाद या 4 से 5 दिन के बाद स्प्रे का प्रयोग कर रहे हैं। आखिरकार उन स्प्रे करने से आप लोगों के खेतों में बीमारी या कीट का इलाज नहीं हो रहा है, ये तो आपको मालूम पड़ गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हम लोग बहुत बार इन प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से भी, रेडियो टॉक के माध्यम से, आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी लोगों को ये बताते रहते हैं कि जब भी आपने किसी रसायन का प्रयोग करना है तो उसका या तो कहीं अनुमोदन होना चाहिए या फिर आप किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर उस रसायन का प्रयोग करें। रसायनों के प्रयोग की अपनी एक विधि है। जैसे कि अगर आपने किसी बीमारी नाशक का स्प्रे करना है तो उनके लिए 10 से 12 दिन के अंतराल पर अनुमोदन है कि 10 से 12 दिन के अंतराल पर आपने उनका छिड़काव करना है जी। उसी तरह से अगर आपने कीटनाशक का प्रयोग करना है तो उसके लिए अनुमोदन है कि 12 से 15 दिन के बाद आपने इनका प्रयोग करना है। अगर कोई किसान, बागवान, बंधु 4 से 5 दिन बाद टमाटर की फसल में कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है, उससे ना कीड़ा आपका मरता है, ना ही पौधे की वृद्धि अच्छी से होती है, ना ही आपकी फसल जो है अच्छी तरह से उत्पादन दे पाती है। उत्पादन जो भी आपके आ रहा है उससे आप अगर भले ही ना खाते हैं उसको, लेकिन आगे जो खाने वाला है उसको उसका नुकसान हो रहा है। ये प्रयोग से सिद्ध हो चुका है कि उसमें उन रसायनों की कुछ ना कुछ मात्रा रहती है। लेकिन कीटों का भी आपसे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो उन रसायनों का प्रयोग करने से फ़ायदा क्या हो रहा है? ये लोगों से मेरा भी प्रश्न रहता है कई बार, उनका आपसे, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है उस रसायन का प्रयोग करने से? तो ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम भी आप लोगों को सलाह देते रहते हैं कि कई बार मान लीजिए आपको थोड़ा सा कठिनाई हो रही है स्प्रे करने में, तो उसमें हम मिश्रण करने का भी सलाह देते हैं कि दो रसायनों को मिश्रण करके, जिसमें कि बीमारी नाशक भी रहता है, कीटनाशक भी रहता है, इन दोनों का मिश्रण करके जो है आप छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी यहाँ पर देखा गया है कुल्लू घाटी में कि किसान भाई भावुकता में आकर या किसी के बहकावे में आकर कई तरह के रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। उसके लिए भी लोगों से, किसानों से मेरा अनुरोध रहता है कि कभी भी अपने रसायन का या किसी टॉनिक का इस्तेमाल करना हो तो हम लोगों से सलाह ज़रूर करें या किसी विशेषज्ञ से जो आपके नज़दीक हो उससे सलाह ज़रूर करें। डॉक्टर YS परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का ये जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बजौरा में स्थित है, ये हमारे किसान बागवानों की किस तरह से सहायता करता है, और कुल्लू घाटी के जो किसान है, बागवान है, यदि उनके खेतों में कोई समस्या आ रही है, उनके सामने कोई समस्या है, तो किस तरह से आपका केंद्र हमारे किसान बागवानों की सहायता कर रहा है? हम समय समय पर यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर किसान बागवान बंधुओं के लिए लगाते रहते हैं। साथ ही दूर संचार के माध्यम से भी हम लोगों को हर तरह से बागवानी संबंधित या खेती, कृषि संबंधित या सब्जी उत्पादन संबंधित, फल उत्पादन संबंधित या फूल उत्पादन संबंधित जो है जानकारी देते रहते हैं। और साथ ही साथ किसी बागवान बंधु के, किसी सब्जी वैज्ञानिक के या फूल उत्पादक के कोई खेतों में अगर कोई समस्या आती है तो वहाँ भी उसके अनुरोध पर हम वहाँ पर दौरा करते हैं और वहाँ पर स्थायी तौर पर उसके जो समस्या होती है उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। किसान बागवान साथी यदि मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और लगन से सब्जी उत्पादन की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी आजीविका में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने बहुत बढ़िया तरीके में ये भी समझाया कि 50 रुपये की लागत का पौधा आगे चलकर 25 रुपये हमारे किसान बागवानों को दे रहा है। तो यदि व्यावसायिक सब्जी उत्पादन से आप लोग जुड़ते हैं, आप लाभ में रहेंगे, लेकिन वैज्ञानिकों की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। आज के कार्यक्रम में हमने बातचीत की क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र बजौरा के सब्जी वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी से, और जानने का प्रयास किया कि हिमाचल प्रदेश में कैसे सफलतापूर्वक सब्जी उत्पादन हमारे किसान एवं बागवान साथी कर सकते हैं। बागवान साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम विशेषज्ञ को लेकर आपके समक्ष मौजूद होते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसी जानकारी, ऐसी तकनीक आप तक पहुँचाएँ जिसकी आपको नितांत आवश्यकता है, नितांत ज़रूरत है। आज हमने सब्जी उत्पादन के बारे में बातचीत की। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ठाकुर, आपने हमारे किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान साथियों, आप अपने खेतों में परिश्रम करते रहे, मेहनत करते रहे, तभी प्रदेश का नाम भी ऊंचा होगा और देश का नाम भी ऊंचा होगा। आप तरक्की करें, उन्नति करें, इसी विश्वास के साथ आज्ञा दें। नमस्कार, नमस्कार।